श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही विशेष। आज हम गुरुजी पंडितपति मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 7 ऐसे प्रमुख उपाय बताएंगे जो कि हमारे रसोई घर से जुड़े हुए हैं। हमारे घर का जो प्रमुख अंग है वो रसोई घर कहलाता है। घर की बरकत, घर की खुशी, घर के रोग सब रसोई घर पे डिपेंड करते हैं। हमारे घर के रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा शिव जी के साथ विराजमान होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7 वे प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं जान लेते हैं। आपको रोज रात में जहाँ आपका पानी का स्थान है, रसोई घर में जहाँ पानी भर के रहते हैं, पितरों का स्थान माना जाता है, वहाँ पर आपको रोज एक कलश जल भर के रखना है। और जब आप सुबह घर की झाड़ू लगाते हैं उसके बाद वह जल लेकर आपको अपने घर की दहली पर और मुख्य द्वार पर सींचना है। हाथ की अंजनी में लेकर आपको छिंटन करना है, सींचना है। ऐसा नियम आपको रोज फॉलो करना है। इससे हमारे घर के जो पितर होते हैं वो उस जल से तृप्त हो जाते हैं और घर में लक्ष्मी की आवक होने लगती है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया दूसरा विशेष उपाय है, जब आप सुबह स्नान करके पूजन करने बैठते हैं तो आप जब अपने लिए आसन बिछाएं तो उसे पैर से सही नहीं करना है। उसे सही करने के लिए हाथ का ही प्रयोग करें और जो भी पाठ चालीसा या पूजा या मंत्र जाप करते हैं उसके बाद जब आपकी पूरी पूजा हो जाए तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर उसे अपने नैनों से लगाएं। ऐसे में हमारे द्वारा की गई पूजा चालीसा या जो भी पाठ आप करते हो, जो भी पूजा आप करते हो घर की दैनिक, उसका फल हमें पूरा प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रमुख उपाय है, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो रोज जब भी आप स्नान कराएं शिवलिंग में तो अलग पात्र में रखकर उसे जल से स्नान कराएं। जैसे हमारे घर में गणेश जी भी होते हैं, लड्डू गोपाल जी भी होते हैं, तो उन्हें अलग पात्र में रख के स्नान कराएं। और जो शिवलिंग एक अकेली है, भले छोटी सी शिवलिंग है या जितनी भी बड़ी आपके घर में शिवलिंग है, उसे आप एक अलग पात्र में रखकर उसे जल से अभिषेक करें, जल से स्नान कराएं। उस स्नान कराए गए जल का पूरे घर में आप सिंचन करें। यदि घर में बच्चे जिद्दी हैं, ज्यादा जिद करते हैं, तो उस जल का आप उन्हें आचमन भी करा सकते हैं और वो जल तुलसी जी को छोड़कर अन्य किसी पौधे में, वृक्ष में डाल दें। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। घर के शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं, यदि रोज बेलपत्र लाना आपके लिए संभव नहीं है तो उसके लिए गुरुजी ने एक छोटा सा विशेष उपाय बताया है। आप जो भी चालीसा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें एक बेलपत्र रख लें और जब भी आप पूजा करने बैठें तो आप तो चालीसा रोज पढ़ोगे ही या जो पाठ आप रोज करते हो वो तो करोगे ही, उसमें से आप बेलपत्र निकाल कर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और जब आपका पूरा चालीसा हो जाए उसके बाद वही बेलपत्र उठाकर आप वापस चालीसा में रख लीजिए। ऐसे में रोज बेलपत्र अर्पित करने का फल आपको प्राप्त होगा। ते हैं पांचवे उपाय की तरफ। रसोई घर में एक चीज हर घर में होती है, आप घी रखते हो तो एक छोटी सी बटू की पात्र रखते हो जिसमें आप रोज रोटी में घी लगाते हो, उस छोटे से पात्र का हमारे रसोई घर में बहुत महत्व होता है। उसे कभी भी खाली ना होने दें और जब उसे साफ भी करना हो तो उसका घी निकालकर किसी अन्य पात्र में रखें। वो पात्र आप साफ कर लें तो वापस उसी घी को उसमें भर दें। पूरा खाली होने का इंतजार ना करें, ये पूरे घर की बरकत होती है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया अगला छठा प्रमुख उपाय, जब भी आप रसोई घर में रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें और यदि आप पूड़ी बनाते हैं तो 2 पूड़ी निकालें, उसमें थोड़ा सा मीठा रखें, शक्कर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। रोटी जब भी आप गाय को खिलाएं तो सोमक पितृ का नाम लेकर गाय को रोटी खिलाना चाहिए और रोटी के 2 हिस्से कर हमेशा खिलाना चाहिए। बढ़ते हैं 7वें उपाय की तरफ, ये भी बहुत प्रमुख उपाय है। शाम के समय रसोई घर में जहाँ पानी भर कर रखते हैं, पितरों का स्थान माना जाता है, जो भी आपका मटका है, परिंदा है, वहाँ पर रोज शाम को आपको एक दिया लगाना है। मटके के पास अवश्य आप एक दिया लगाइए, लंबी बाती का प्रयोग करें। ये पितरों को हमेशा लंबी बाती लगती है, ये दिया पितरों के नाम होता है। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, रोग नहीं आते हैं। जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो घर उन्नति की ओर ही बढ़ता है। रहे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 7 प्रमुख उपाय। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।